बीइंग ए गार्डनर आपने भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस किया होगा कि प्लांट का साइज जो है एक्सेस हो जाता है और पॉट उसमें छोटा पड़ जाता है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हल्की सी हवा चलती है तो प्लांट हमारा इधर उधर लुढ़क जाता है, उसका पॉट भी टूटने का डर रहता है और प्लांट भी कई बार डैमेज हो जाता है। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो मेरा सुख शांति का पौधा है और इसके अंदर मैं ये प्रॉब्लम अक्सर फेस कर रही हूँ पिछले कई दिनों से कि हल्की सी हवा चलती है तो मेरा जो प्लांटर है वो इधर उधर लुढ़क जाता है, गिर जाता है। एक प्लांटर मेरा डैमेज भी हो चुका है, टूट चुका है इसी चक्कर में। तो देखिए प्लांट की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लगभग 4.5 फीट तक का हो चुका है और पॉट का साइज है इसमें 10 इंची। तो इसके अंदर इसका सर्वाइव करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसको पानी देना बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1 से 2 दिन तक इसके अंदर पानी मत दीजिए। इससे क्या होगा कि प्लांट हमारा बहुत ही इजिली जो प्लांटर है इसके बाहर आ जाएगा। ये देखिए कितना शानदार टेक्सचर इसके अंदर बना हुआ है। ये हालांकि प्लांट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। क्या शेप इसने लिया, बिल्कुल पॉट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर उभर के आया है। और देखिए कितनी सारी रूट इसके अंदर आ गई है, नीचे से जो ड्रेनेज होल है उसके अंदर से भी रूट बाहर निकलने लगी है। देख सकते हो आप, इसके अंदर मैंने जो पत्थर लगाया था वो भी इसके में फंस कर रह गया है। ये देख, इसको निकालना मुश्किल हो रहा है, यानी कि रूट इतनी ज़्यादा इसके अंदर बाउंड हो चुकी है कि पूरी तरह से प्लांट की ग्रोथ फिर भी नहीं रुकी, फिर भी इतना फास्ट स्पीड से बढ़ रहा है क्योंकि सीज़न बहुत ही फेवरेबल है। तो चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम किए देते हैं। इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पाने के लिए आप अपने जो प्लांट को हमने बाहर निकाल लिया, अब इसमें हम सेलेक्ट करेंगे 60%। जी हाँ दोस्तों, 50% यहाँ है तो 60% इसकी जो रूट है उसको हमें प्रून कर देना, यानी कि कट कर देना है किसी शार्प टूल से या जो भी आपके पास औजार है उसकी सहायता से। इसको बहुत ही आसानी से इस तरीके से, देखिए ये मैंने एक शार्प वाली जो करनी होती है जो राजमिस्त्री रखते हैं उसको लिया है और इससे मैं बिल्कुल स्मूथली ये कट जब हो जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से कट गया है, जैसे हम केक काट रहे हो इस तरीके से बहुत ही ईजिली ये रिमूव हो गया है। पूरी इसमें फाइबर रूट्स है, कोई टैप रूट नहीं होती। तो देखिए बहुत आसानी से प्लांट को कोई नुकसान भी नहीं होगा और इसको हम बिल्कुल ईजिली अलग कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल केक की तरह से ये बिल्कुल स्लाइस अलग से निकल आया है। इसके बाद दोस्तों हम इसको थोड़ा सा हल्का कर देंगे प्लांट को, क्योंकि इसके अंदर जो ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रही है जो ब्रांच उनको कट कर देंगे, क्योंकि ये प्लांट हमें जितना ज़्यादा बुशी होता है और एक प्रॉपर शेप में होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी सीजन काफ़ी अच्छा है, अभी इसके अंदर नई नई शूट्स निकलेगी तो बहुत अच्छे से ये सर्वाइव कर जाएगा, बहुत अच्छे से फिर से इसके अंदर घना बन जाएगा प्लांट। जो इसकी न्यू ब्रांच है उनको कट ना कीजिए। देखिए ये नई नई ब्रांच है, इनको मैंने छोड़ दिया और जो मैच्योर ब्रांच थी जो बड़ी बड़ी लंबी हो चुकी थी उनको मैंने काट दिया है ताकि उनके हर नोड एरिए से नई नई शूट्स निकले और फिर से प्लांट मेरा बुशी हो जाए। लीजिए दोस्तों, मैंने अपने प्लांट को बिल्कुल लाइट वेट कर दिया, एक्स्ट्रा बर्डन इसके ऊपर से पूरा निकाल दिया है। और अब हम करेंगे इसको साइडों से थोड़ा थोड़ा, जो इसकी ये फाइबर रूट साइडों में आई हुई है इनको भी हल्का हल्का हम इस तरीके से निकाल देंगे। लीजिए दोस्तों, प्लांट हमारा फिर से नए जैसा हो गया है, इसकी जो लुढ़कने की समस्या थी उससे भी छुटकारा मिल गया है और बहुत ही अच्छे से जो लैगी लैगी हमें लग रहा था वो उस समस्या से भी छुटकारा मिल गया है क्योंकि सभी ब्रांच हमने कट कर दिए। अब इसको हम अच्छे से फिर से ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये पॉट लिया है, पॉट के ड्रेनेज होल पर आप कोई ठिपरी रखिए, उसके ऊपर जो मेरी रूट्स मैंने कट की थी इसको मैं डाल देती हूँ ताकि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बना रहे। ये लीजिए दोस्तों, नीचे हमने अपनी जो रूट इसमें से प्रून की थी उसको डाल दिया है झाड़ के। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ये जो डिकम्पोज होके खाद का काम करेगी और दूसरा नीचे हमारे जो प्लांट्स है इसकी रूट्स को हेल्प करेगी सांस लेने में, और तीसरा फायदा यह है कि नीचे से ड्रेनेज प्रॉपरली बना रहेगा, पानी जो पॉट है वो इसमें पॉट के अंदर पानी खड़ा नहीं होगा और इसमें प्लांट भी हमारा अच्छे से ग्रोथ करेगा, यानी कि इसकी जो फीडर रूट है वो अच्छे से बढ़ेगी चारों तरफ क्योंकि उसको बहुत ही एयरी स्पेस मिलेगा, सॉफ्ट सॉइल मिलेगी। ये देखिए ऊपर से मैंने अपना ये कंपोस्ट जो है मेरे गार्डन कंपोस्ट में तैयार करती हूँ, जो गार्डन वेस्ट से या गोबर की खाद सारा मिक्स करके मैं बना लेती हूँ, किचन वेस्ट भी इसके अंदर होता है, सभी चीज़
इसको बना के मिक्स करके मैं अपने प्लांट को एक कंप्लीट पोषण देती हूँ। ये लीजिए प्लांट हमारा रेडी है। इसके बाद हम बात करते हैं कटिंग की। जी हाँ दोस्तों, जो हमने कट किया है इसकी कटिंग को भी हम आसानी से लगाकर अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा कटिंग लगाए उतने ज़्यादा नए नए प्लांट हमारे रेडी हो जाएंगे। देखिए बहुत ही जल्दी इसके अंदर से रूटिंग होती है। आप इसको डायरेक्ट मिट्टी के अंदर या फिर पानी के अंदर किसी भी तरीके से ग्रो कर सकते हैं और नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपने देखा कितनी आसानी से अपने जो सुख शांति के प्लांट की जो लुढ़कने की समस्या थी या इनबैलेंस होने की जो प्रॉब्लम झेल रहे थे उससे छुटकारा पाया। और दूसरा बेनिफिट इससे ये हुआ कि हमारा प्लांट फिर से नए जैसा हो गया, अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसी पॉट के अंदर सर्वाइव करेगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी क्वेरी और क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। थैंक यू।